हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोस्टल एंगलर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक अच्छा सा मौका मिला है एक वीडियो बनाने का। जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं या उनका क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई आप कौन सा ल्यूर यूज करते हैं, कौन सा ल्यूर पे ज्यादा फिश अटैक होता है या फिर कौन सा ल्यूर ज्यादा अच्छा है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे बहुत सारे ल्यूर है दोस्तों, जो कि सब आप अगर ट्राई करेंगे सही टाइम पे और सही जगह पे तो मैक्सिमम 100% आपको रिजल्ट मिल सकते हैं कोई भी ल्यूर, क्योंकि इट्स अ नेचर ऑफ द फिश टू बाइट अ वुंडेड फिश। और जो भी हमारे जो ल्यूर्स हैं ये इमिटेट करते हैं वुंडेड फिश, तो 100% चांसेस है कि कोई भी ल्यूर चल सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि भाई आप यही ल्यूर यूज करो या यही कलर के ल्यूर यूज करो, बट एक्सपीरियंस हैज टॉट अस मेनी थिंग्स। तो डिपेंड्स मोस्टली ऑन एक्सपीरियंस। तो किसी को, यानी हर एक आदमी का अपना एक चॉइस होता है, तो उस हिसाब से दोस्तों बहुत सारे लोग रेकमेंड कर ये ल्यूर यूज करो, या फिर बहुत सारे एंगलर आप देखे होंगे कोई कोई ल्यूर पे ज्यादा मच्छी निकालते हैं। तो इसका साइंस एकदम सिंपल है। जब आपका ल्यूर, समझो जो भी हंग्री फिश है या फिर जो भी एग्रेसिव फिश है उसके सामने से आ जाएगा, तो इट हैज़ अ 50% प्रोबेबिलिटी दैट द फिश विल बाइट। तो 50% आपको, यानी बाइट होने के चांसेस होते हैं, और उसी जगह पे आप कास्ट करते रहें और एग्जैक्ट अटैक जोन से लाएं, तो देर इज़ अ मैक्सिमम चांस कि आप उस फिश को जो वहाँ पे है उस एरिया में, आप वहाँ पे पकड़ सकते हैं उसको। अब नॉर्मली बहुत सारे लोग का क्वेरी रहता है, जैसे कि बारामुंडी के लिए बेस्ट ल्यूर कौन सा है, स्नैपर के लिए कौन सा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड प्लेस। मैं बोल सकता हूँ मोस्टली जो है टाइम के ऊपर डिपेंड है। अगर वहाँ पे बारामुंडी है जहाँ पे आप फिशिंग कर रहे हैं, तो देर इज़ अ 100% चांस दैट यू विल गेट अ बाइट। और अगर वहाँ पे स्नैपर है, तो देर इज़ अ 100% चांस दैट यू माइट गेट दैट स्नैपर। तो बहुत बार क्या होता है कि फिश ज़्यादा लेजी होते हैं, तो इस वजह से वो अटैक नहीं करते। तो इसके लिए हमें उसके लिए टीज करना होता है। तो हम नॉर्मली बहुत सारे कलर्स उसके सामने हम लोग, यानी प्रेजेंट करते हैं, तो कभी कभी कोई कलर पे वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो नॉर्मली जैसे अब पानी लाल है, तो बहुत सारे कलर्स जैसे डार्क कलर्स हैं ये चल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक बहुत पॉपुलर ब्रांड का एक शैड, जो कि आपको पता ही होगा या बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। तो वो जो शैड है शिमानो का स्क्विडजी है दोस्तों, ये देखिए, ये भी जैसे अपना जीमैन है उसी तरह का मटेरियल है दोस्तों इसमें। ये भी देखिए, ये देखिए, जो कि 10 times स्टफ है और बहुत ही इफेक्टिव है। और इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको जो है, अगर कोई दूसरे शैड्स पे अगर आपको 50% अगर मिलने के चांसेस है, तो इसके ऊपर जो है मैं कह सकता हूँ 70-80% आपको ज़्यादा चांसेस है। तो बहुत ही टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है इसमें, और यूवी लाइट है, बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से इसके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत ही पॉपुलर कलर है जो कि पिंक ग्लिट्स, जिसको मैंने जिगेड के साथ में इसको रिक किया है। बहुत ही प्यारा सा शैड है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी एक बहुत सुपर कलर है इसमें, जिसका जो नाम है ब्लडी बेट है। इसके ऊपर यूजुअली जैसे स्नैपर है या फिर फिंगर मार्क है या फिर बारामुंडी है, बहुत अच्छा बाइट होता है इसके ऊपर। तो ज़रूर दोस्तों, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप हमारे शॉप को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो कॉन्टैक्ट का नंबर है शॉप का, हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप करें और घर बैठे ऑर्डर करें और इसको ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, जो कि शिमानो स्क्विडजी है, इस पर मैंने इसको यूज़ किया और बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिला दोस्तों। और बहुत बुरा कंडीशन था पानी का, उसमें भी इसने बहुत बढ़िया काम किया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि
हमने इस शहर के ऊपर क्या मछली पकड़े हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के एंड में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोस्टल एंगलर। तो दोस्तों, फिर एक बार हम फिशिंग करने के लिए आए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट है जो कि मिरकरवाड़ा का ब्रेक वाटर है। तो आज ट्राई करके देखते हैं कि आज हमें क्या मछली मिलेगा। दोस्तों, finally some good fish guys, but he's into the rock, hopefully. Totally into the rocks. Okay, waiting for the a good size fish here. Still getting into the rocks.
let's be patient. We'll wait for him to come out, because we do mistake and the fish is gone. Okay, finally he's out. Never hurry, guys. Let the fish take its time. Okay, there's a good heavy fish. Not a easiest target. Okay, still running into the rocks. Oh my god, there's a heavy fish, guys. Ya Allah. He's a grouper. Expected him to be a grouper. Okay, he's a grouper. Okay, guys, finally we have landed this bugger. Always into the rocks. Okay, finally he's a good guy. Oh my god, look at the condition of the leader. Leader ka bahut bura hal kar diya hai isne to. Very bloody heavy fish. Ho ho. He's a mad fellow. This fellow is always into the rocks. Look at the size, guys. Amazing, beautiful size. You see, running into the rocks, has got all the way scratches. And ye dekhiye pura leader ka to satyanash kar diya hai. Amazing. Amazing. Oh, I'm safe. Good fish, guys. Landing a fish is a big deal here. Okay. Luckily, we have landed the fish. Lovely MG. It's very slightly hooked. Beautiful MG here, guys. We'll tie along with this bugger. Look at those teeth. I don't want to risk my hand with that. Look at him here, oh my god. Buddy, be calm here. Don't mess up. One more knot here.
अंदर चलो।